चांपा जिले के ग्राम पंचायत तुस्मा में जमीनी रंजिश को लेकर दो युवकों ने एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी। दोनों युवक हत्या करने के बाद पास के पानी टंकी के ऊपर चढ़ गए। उन्होंने चार और लोगों की जान लेने की बात कही है। पुलिस ने हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तुमसा गांव में ये घटना हुई, जिसमें रोहित केवट और उसके भाई सतीश केवट ने मिलकर भागवत साहू की दिन दहाड़े हत्या कर दी। चॉपर का उपयोग इस घटना को अंजाम देने में काम आया। दिन दहाड़े हुई घटना के आसपास के लोग हक्के बक्के रह गए। खबर के अनुसार भागवत साहू की हत्या करने के बाद खून से सने हथियार के साथ दोनों आरोपी पास ही थे एक पानी की टंकी में जा चढ़े। मौके पर उन्होंने इस घटना को लेकर वीडियो बनाया। इसमें एक आरोपी यह कहते हुए नजर आ रहा है कि संपत्ति विवाद को लेकर उसने हत्या की है। इस मामले में चार और लोग निशाने पर है और उनके साथ भी यही सब दोहराया जाएगा। सीमित आबादी वाले गांव में हत्या की इस घटना ने लोगों को बुरी तरीके से भयभीत कर दिया है। लोगों के द्वारा दी गई सूचना पर जांजगीर चांपा जिले की पुलिस यहां पर पहुंची। पुलिस एक तरफ मृतक के शव को देखते रहे और पानी की टंकी में चढ़े आरोपियों को इस दौरान आरोपियों को अपने कब्जे में लेने की हिम्मत किसी की भी नहीं हुई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि भागवत साहू की हत्या दो युवकों ने की है, उनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जा रही है। ये हमको सूचना मिल रही है कि इसके पीछे दो व्यक्ति जो हादसा हथियार से हत्या करना बताया है, उनका नाम रोहित केवट और सुनील केवट ऐसा बताया जा रहा है, जिसकी तलाश कर पूछताछ की जा रही है। सर किसी प्रकार का हथियार बरामद किया गया है? नहीं, अभी तक कोई हथियार बरामद नहीं। नाम सोहित कुमार है, ग्राम तुस्मा से बोल रहा हूँ मैं। मेरा पिताजी का नाम है सोहित कुमार दुकालू राम केवट। क्या समस्या मैंने एक जने का मर्डर कर दिया हूँ। भागवत साहू का, क्योंकि मेरे जमीन के बारे से ना उसने ना बहुत हम लोग को जमीन बेचवाया, पैसा नहीं दिलवाया, फालतू फालतू का इधर उधर का नाटक किया और अभी तक 6 महीना हो गया, पैसे 2 साल हो गया, पैसा नहीं मिला है। किसके पास बेचे जमीन? बेचा था अंकित मिश्रा और अभी तक पैसा नहीं दिया है। उस जमीन में पूरा बिल्डिंग बन चुका है और हमारा अभी तक घर बना नहीं है। तो जो जिसका मर्डर किया उससे इस जमीन बेचने में क्या संबंध? उसने भी मेरे भैया का जमीन, मेरा ही बड़े पापा का बेटा है। हम लोग किसी को ना कहते भी नहीं, ना बोलते नहीं। आज दोपहर लगभग 12:30 की घटना है। ग्राम तुस्मा का वार्ड पंच भागवत साहू को उसी गांव के सोहित केवट और सुनील केवट, ये लोग जमीन बिक्री से संबंधित रुपये पैसे का लेन देन का विवाद पर से सुनियोजित ढंग से योजनाबद्ध तरीके से भागवत साहू के ऊपर उन्होंने धारदार हथियार से हमला किया और उनको इतना चोट पहुंचाया धारदार हथियार से गर्दन में, सिर में, कि मौके पर ही भागवत साहू की मृत्यु हो गई। और उसके बाद ये दोनों व्यक्ति सोहित और सुनील, ये लोग चले गए और वो क्या सबरिया डेरा के किनारे जो पानी टंकी बनी हुई है, पानी टंकी में चढ़ गए और वहाँ से चैलेंज करने लगे कि हमारे समस्या का समाधान किया जाए तभी हम नीचे आएंगे। बमुश्किल उनको उनके वारिसानों के माध्यम से समझा बुझा कर उनको नीचे बुलाया गया और नीचे उतर के उन्होंने पुलिस के सामने अपने आप को हथियार सहित सरेंडर किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना की जा रही है, साथ ही मर्ग पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना भी जा रही है। उस संबंध में मौके पर मौजूद नायब तहसीलदार ने स्टेटमेंट लिया है, लेकिन वो मुद्दा 302 से जुड़ा जरूर है लेकिन थोड़ा अलग किस्म का है, लेन देन का है, तो उस संबंध में भी अगर कोई शिकायत आती है तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। जो आएगा उस आधार पे कार्रवाई की जाएगी। अभी तो आरोपी लोग अब क्या क्या बोलेंगे, अब क्या नहीं बोलेंगे, अभी जांच का विषय है।